दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वॉल्ट के बारे में, जिसने अभी फिलहाल विड्रॉल को अपने बंद कर चुके हैं। जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट किया हूँ कि जो इसकी विड्रॉल है वो फिलहाल यहाँ पे बंद हो चुकी है। बेसिकली ये है क्या, क्यों अपनी विड्रॉल को बंद कर चुकी है, क्या ये जो प्लेटफॉर्म है ये अब यहाँ से भागने की तैयारी कर रही है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। मैक्सवेल के वीडियो को आप पूरा देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, वो आप वहाँ पर ज्वाइन करो। जहाँ पर मार्केट के अपडेट हो कॉल्सो में वहाँ पर शेयर करता हूं। अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो वॉल्ट जो कि एक सिंगापुर बेस्ड एक क्रिप्टो ट्रेडिंग या एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने क्रिप्टो को होल्ड करके भी अर्न कर सकते हो। इस तरह के बेसिकली यहां पे कुछ प्रोग्राम चल रहे थे जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके तरफ से जो एक नोटिस हमें देखने को मिली है, एक न्यूज हमें देखने को मिली है, जहां पे अगर आप अपने क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ से विड्रॉल आप वहाँ पर नहीं कर सकते। तो वॉल्ट के जो CEO हैं दर्शन भटीजा, उसकी तरफ से हमें यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को मिली है, एक स्टेटमेंट देखने को मिली है, जहाँ पर उसने कुछ रीज़न बताए हैं कि वो अभी फ़िलहाल विड्रॉल को टेम्प्रोरी ऑफ कर रहे हैं। अगर हम इस रीज़न को यहाँ पर समझें तो बेसिकली मार्केट कंडीशन को यहाँ पर एक रीज़न बताया गया है। साथ में मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो इंडिया के तरफ से जो न्यूज़ हमें देखने को मिली, जो कि 30% टैक्स है, 1% TDS है, तो इस तरह के न्यूज़ के कारण भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला है। बेसिकली ये एक सिंगापुर बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर इसके यूजर्स के बारे में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके यूजर्स हैं वो इंडियन यूजर्स हैं। और इसके अगर प्रमोशन या फिर प्रमोटिंग के बारे में भी अगर आप देखोगे तो जो इसके मार्केटिंग हुई है वो इंडियन क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर के से सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला है। तो बेयर मार्केट में आपने देखा, चाहे वो सेल्सियस नेटवर्क हो या फिर लूना हो, लूना के क्रेज़ के बाद यहाँ पर समझ में आई है, बहुत सारे लोगों को समझ में आई है कि क्रिप्टो मार्केट थोड़ा रिस्की मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। इसके बाद सेल्सियस नेटवर्क के बारे में बात करें या फिर इस तरह से बहुत सारे अभी आपने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर अपनी विड्रॉल को क्लोज कर दी है, विड्रॉल यहाँ पर नहीं दे पा रही है। तो वॉल्ट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट देखने को मिली है, जहाँ पर पिछले एक महीने के दौरान $197 मिलियन का विड्रॉल यहां पे हो चुका है। तो काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पे इससे विड्रॉल ले रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली भी समझने की कोशिश करें या बैंक के थ्रू भी समझने की कोशिश करें, तो अगर आप अपने बैंक से, अगर ऐसा हो कि सारे लोग यहां से विड्रॉल निकालना शुरू कर दे, सारे लोग बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है कि बैंक भी आपको पैसा नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो हम डिपॉजिट बैंक में करते हैं वो बैंक उसे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे लगाती है, अलग अलग जगहों पे उसे वहाँ पे इंटरेस्ट पे लगाती है, अलग जगह इन्वेस्ट करती है। तो ऐसे सिचुएशन पे जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा कैपिटल हो, कोई भी तरह का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक हो या फिर कोई भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, अगर इससे बराबर विड्रॉल निकलेगी तो जाहिर सी बात है लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम होगा, जिस कारण से वो आपको विड्रॉल नहीं दे पाएगी। तो ये सिलसिला फ़िलहाल अभी हमें वॉल्ट में देखने को मिला है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इससे विड्रॉल यहाँ पर निकाल रहे हैं और इस कारण से अब यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और वो यहाँ पर विड्रॉल यहाँ पर टेम्प्रोरी ऑफ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या वॉल्ट अब यहाँ से भाग जाएगी, क्या वॉल्ट अब यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन पे अभी कुछ भी क्लियर यहाँ पे नहीं बोला जा सकता कि यह बंद हो जाएगी क्या होगा, बट अभी फ़िलहाल इसने टेम्प्रोरी विड्रॉल को ऑफ करके रखा है और आई थिंक डिपॉजिट भी अभी फ़िलहाल ऑफ है। तो आप कुछ टाइम यहाँ पे वेट कर लो, और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, लेंडिंग करनी, कुछ भी करना है, तो कुछ बड़े एक्सचेंजेस को आपको चूज़ करनी है जहाँ पर लिक्विडिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। खास करके बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, कुकॉइन पर भी कुछ र्यूमर्स देखने को मिल रहे थे लेकिन फ़िलहाल वो सही नहीं थे। क्रिप्टो के जैसा रूल होते हैं कि हमेशा अपने जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्सीफाई करके रखने होते हैं, जो कुछ सॉफ्टवेयर वॉलेट हो या फिर हार्डवेयर वॉलेट हो, कुछ इस तरह से आपको डाइवर्सीफाई करके रखने होते हैं। साथ में अगर आप लेंडिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो उतना ही करना है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट उतनी ही करना है जितना आप यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हो। बेयर मार्केट में एक्सचेंजेस ही नहीं, सभी लोग यहाँ पर बेयर लॉसेस पे होते हैं। अगर आप कुछ टाइम पहले कॉइनबेस को आपने देखा होता तो वो भी अपने स्टाफ के जो संख्या है, जो स्टाफ की उसकी जो नंबर से, वह 20% वहाँ कम कर रहे, तो कहीं ना कहीं बेयर मार्केट में स्टेबल करना, सरवाइव करना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि अभी हमें वॉल्ट में भी देखने को मिल रही है। जो भी नेक्स्ट न्यूज होगा वॉल्ट पे वो मैं अभी फिलहाल अपडेट करूंगा, जो भी नेक्स्ट न्यूज होगी वो वॉल्ट में
टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा, तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया। तो वर्ल्ड भी अपने तरफ से यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि इस प्रॉब्लम को किसी तरह से हटाया जाए और जो विड्रॉल के इश्यूज आ रहे हैं उसे ठीक किया जाए और जो लिक्विडिटी है वो किसी तरह से अरेंज किया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या अब नेक्स्ट स्टेप बनती है और वर्ल्ड की तरफ से क्या स्टेप लिया जाता है। तो टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।